इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि शुक्र मनाइए कि आप म्यांमार में नहीं रहते, शुक्र मनाइए कि आप भारत में रहते हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी के नाम पर आप ये सब कुछ कर सकते हैं जो अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। इसके अलावा आप फेक न्यूज़ फैला सकते हैं, गलत बातें कर सकते हैं, अपने देश के खिलाफ झूठी बातों को सोशल मीडिया पर फैला सकते हैं, आप राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के बारे में फेक न्यूज़ फैला सकते हैं, आप अपने देश के बजट के बारे में फेक न्यूज़ फैला सकते हैं। इसके अलावा आप इस किसान आंदोलन में, आपको याद होगा एक लड़का मारा गया था, वो अपने ही ट्रैक्टर के नीचे आ गया था, आप ये कहकर फेक न्यूज़ फैला सकते हैं कि इसे पुलिस ने गोली मारकर इसकी हत्या की है। ये सब भारत में लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है और लोग खुलेआम इसे कर रहे हैं और लोग ये सारी चीज़ों को अपना अधिकार मानते हैं कि ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है। इसलिए अब जरा म्यांमार के साथ तुलना करके देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 69वां दिन है। यह सब भी लोकतंत्र के नाम पर हमारे देश में हो रहा है और धीरे धीरे किसान आंदोलन पर सरकार का रुख अब सख्त होता जा रहा है। आपने किलेबंदी के बारे में तो जरूर सुना होगा, कहा जाता है इस शब्द को कि किलाबंदी कर दी गई है। पुराने जमाने में दुश्मन के हमलों से बचने के लिए किले बनाए जाते थे ताकि दुश्मन नजदीक से वार ना कर पाए। पर क्या सुरक्षा के लिए आपने कभी कीलबंदी देखी है? किलाबंदी तो देखी है, लेकिन आज हम आपको कीलबंदी दिखाएंगे। दिल्ली के जिन 3 बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पुलिस ने अब किलेबंदी की बजाय कीलबंदी कर दी है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अब सड़कों पर इस तरह की बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई हैं ताकि प्रदर्शनकारी फिर से दिल्ली में प्रवेश न कर पाएं और हिंसा न कर पाएं, क्योंकि 6 फरवरी को किसान एकता मोर्चा ने देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस को यह आशंका है कि इस दिन भी 26 जनवरी की तरह हिंसा हो सकती है और प्रदर्शनकारी फिर से अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए अब बॉर्डर्स पर लोहे और सीमेंट की इस तरह की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। टीकरी बॉर्डर पर पहले 4 फीट मोटी सीमेंट की दीवार बनाई गई थी, फिर सड़क खोदकर वहां पर अब नुकीली कीलें लगा दी गई हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोहे के कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड्स और मोटी कीलें लगा दी गई हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इसी तरह के तार, बैरिकेड्स और कीलों की एक दीवार खड़ी कर दी गई है। आपको याद होगा कि 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों पर तलवारों से हमला किया गया था। पुलिस के हाथ में लकड़ी की लाठी थी जिससे उनका बचाव नहीं हो पाया और सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में एक व्यक्ति ने एक पुलिस अधिकारी पर तलवार से हमला किया था, लेकिन इस बार तलवार वाले हमले को रोकने का भी इंतजाम पुलिस ने कर लिया है। दिल्ली पुलिस के 60 जवानों को स्टील की लाठियां दी गई हैं। आपको भले ही ये रॉड्स तलवार जैसी दिखती हों, लेकिन इनका काम है तलवार से हुए हमले से जवानों को बचाना और इस लाठी को तलवार की ही तरह पकड़े हुए ये पुलिसकर्मियों की तस्वीर आप इस समय देख पा रहे हैं। तो ये विशेष प्रकार की लाठियां, स्टील की लाठियां अब पुलिस को दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों से दिल्ली को बचाने के लिए जिस तरह दिल्ली के बॉर्डर की कीलबंदी की गई है, वो कई नेताओं को अब अच्छी नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है कि ये दिल्ली का बॉर्डर नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान से देश जुड़ी देश की सीमा है, जहां दुश्मनों को रोकने के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने सड़क पर कील गाड़ दी है, पर राजनीतिक दलों के नेता आंदोलन में कील गाड़ने का काम कर रहे हैं। राजनीति से दूर रहने वाले किसान नेता अब हर दल के नेता को गले लगा रहे हैं और इससे ये आंदोलन अब राजनीतिक होता जा रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत आज अपने कुछ सांसदों के साथ गाजीपुर बॉर्डर गए, जहां उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात की। इसके बाद आंदोलन में कौन कौन सी नई मांगें जुड़ती जा रही हैं, ये भी आप सुनिए। की तरफ से हमारे पूरे सांसद शिवसेना के यहाँ आए हैं। उद्धव ठाकरे साहब की इच्छा थी, हम जाकर उनसे मिले, टिकैत साहब से बात हो गई। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का, वो हमने दिया है। पूरी ताकत से हमारी जो संवेदना है, हम उनके साथ रहेंगे।
देखिए ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, देश के किसानों का विषय है। सरकार ने भी कहा है कि बात करने के लिए तैयार है, बात सरकार ने बात करनी चाहिए और ठीक ढंग से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए। सर ये बताइए, अहंकार देखिए, अहंकार से राजनीति नहीं चलती और देश भी नहीं चलता। जब रोटी अनाज की घेराबंदी तारबंदी होगी, किन्ने गाड़ी जाएगी, तो गरीब आदमी अनाज के लिए तड़पेगा। ये आंदोलन तो गरीब का है, ये आंदोलन रोटी कैद ना हो ये आंदोलन उसका है। ये किलेबंदी करी जा रही है, राजा के द्वारा किलेबंदी है, ये अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है। आपके सामने आ गया ये आंदोलन, अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा, तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। ये आंदोलन अभी नहीं खत्म होने का। आपको याद होगा, दो दिन पहले ही अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ मुलाकात की थी और राकेश टिकैत को और इस आंदोलन को पूरा समर्थन देने का उन्होंने ऐलान किया था और अपने पिता प्रकाश सिंह बादल और महेंद्र सिंह टिकैत की दोस्ती को भी तब उन्होंने पूरी दुनिया को याद दिलाया था। आज पंजाब के जलालाबाद में सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई और उनकी गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा। अकाली दल का दावा है कि यह हमला सुखबीर बादल की हत्या करने की नीयत से किया गया था और हमले के विरोध में अब सुखबीर सिंह बादल धरने पर बैठ गए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि यह हमला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। पंजाब में सत्ता की चाबी हमेशा किसानों के पास ही होती है, ये बात अकाली दल भी जानता है और कांग्रेस पार्टी भी जानती है। इसलिए अब दोनों ही पार्टियाँ, उन्होंने अपना पूरा फोकस किसानों का समर्थन हासिल करने पर लगा दिया है। नए कृषि कानूनों के पास होने के बाद सुखबीर बादल ने किसानों के समर्थन में एनडीए से अपने रिश्ते भी तोड़ लिए थे और उनकी पत्नी हरसिमरत बादल जो केंद्र सरकार में मंत्री थी, उन्होंने भी तब इस्तीफा दे दिया था। और अमरिंदर सिंह ने क्या कहा है ये भी हम आपको आज बताते हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए फिर से विधानसभा में एक संशोधन बिल लाएंगे। आज ही संसद में किसान बिल पर कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने शांति से संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी। सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूँ आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है, ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है, इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है, तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह से व्यस्त रहेगी।